हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत में पैनकेक्स। ये देखिए फ्रेंड्स, पैनकेक्स की जाली देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि पैनकेक्स हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं। यह बहुत ही कम समय में रेडी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और इस चटनी के साथ इन पैनकेक्स का मज़ा डबल हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहले हम चटनी बनाएंगे। चटनी बनाने के लिए हम एक बाउल नारियल जार में डालेंगे। आप नारियल बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच रोस्ट की हुई मूँगफली डाल देंगे। अदरक और हरी मिर्च डाल देंगे। स्वादानुसार व्रत वाला नमक डालेंगे और आवश्यकतानुसार पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी हमारी रेडी हो गई है। चटनी ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ये देखिए चटनी की कंसिस्टेंसी, कितनी बढ़िया नारियल की चटनी हमारी बनकर रेडी हुई है। इस नाश्ते के साथ चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए, 1/4 छोटा चम्मच जीरा और 6 से 7 कड़ी पत्ते डाल देंगे, और इस बढ़िया से तड़के को हम अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया चटनी हमारी बनकर रेडी हुई है। अब हम एक बाउल सावक ले लेंगे, जिसे समा के चावल, व्रत के चावल भी कहा जाता है। इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसमें 1/2 बाउल दही डाल देंगे। जिस बाउल से आपने सावक लेनी है, उसी बाउल से दही लेना है, इस बात का ध्यान रखें। 1 बाउल सावक और 1/2 बाउल दही। सावक का पेस्ट हमारा रेडी है। अब हम इसमें 2 से 3 उबले हुए मैश किए हुए आलू डाल देंगे। बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे। आप अदरक को ग्रेट भी कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें बढ़िया सा टेस्ट देने के लिए हम 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली का दरदरा पाउडर डाल देंगे। स्वादानुसार व्रत वाला नमक डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये व्रत के पैनकेक्स फ्रेंड्स बहुत ही कम समय में रेडी हो जाते हैं। इन्हें खाकर पेट भी भर जाता है, लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसमें 1 सैशे इनो का पाउच डालेंगे। अगर आप व्रत में खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। बिना इनो के भी इसे बना सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, जिससे कि इनो हमारा एक्टिवेट हो जाए। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसे जेंटली मिक्स करेंगे और तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे। तवा हमारा जैसे ही गर्म हो जाए, इस पर हम थोड़ा सा देसी घी या कुकिंग ऑयल, जो भी आप व्रत में यूज़ करते हैं, वह डालेंगे और किचन टॉवल से इसे पोंछ देंगे। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इस पर बैटर डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पैनकेक्स के ऊपर जाली से ही आपको पता चल रहा होगा कि पैनकेक्स हमारे कितने सॉफ्ट बनेंगे। एक साइड से सिकने के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। एकदम से हमने इसको टच नहीं करना है, पहले हम नीचे से इसे पकने देंगे। जब यह नीचे से पक जाएगा, तब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नाइस कलर, कितना बढ़िया हमारे पैनकेक्स के ऊपर कलर आया है। और दूसरी साइड से भी हम इसे ऐसे ही सेक लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, नाइस कलर, कितना बढ़िया व्रत का पैनकेक हमारा रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा पैनकेक हम तवे पर डालेंगे। साइड में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। दूसरा पैनकेक डालने से पहले तवे को ऑयल से ग्रीस कर लें और इसे कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद दूसरा पैनकेक इसके ऊपर डालें। नीचे से सिकने के बाद ही साइड को चेंज करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद करते हैं। आप भी इस नवरात्रि व्रत पर इन व्रत के पैनकेक्स एक बार जरूर बनाएं।
आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। नवरात्रि के बाद भी आप इसे बनाना पसंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा पैनकेक भी हमारा सिक गया है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म नारियल की चटनी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पैनकेक के ऊपर जाली से ही आपको पता चल रहा होगा पैनकेक्स हमारे कितने सॉफ्ट बने हैं। इस चटनी के साथ इसका टेस्ट डबल हो जाता है। जब भी आप ये पैनकेक्स बनाएं, नारियल की चटनी जरूर बनाएं। हाँ तो फ्रेंड्स, व्रत के पैनकेक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। आप हमारी ये रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं।